सलाम, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। वेलकम टू अनदर वीडियो और माई यूट्यूब चैनल। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। आज की जो वीडियो है वो है, आपको नज़र तो आ रहे होंगे, कर्ली हेयर एक्सेसरीज और एसेंशियल एक्सेसरीज, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। मैंने थोड़े दिन पहले रील डाली थी एक, जिसमें मैंने दिखाया था कि ये जो एक्सेसरीज हैं आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, पर अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी आती हैं इसमें, बट जो ये 10-12 में आई विल बी स्टार्टिंग विद दिस वन। ओके, दिस इज अ मिस्ट बॉटल, अ स्प्रे बॉटल, और आई गॉट दिस फ्रॉम कोल्स, और ये मुझे उनके खाने के सेक्शन से मिली। खाने के सेक्शन एज इन जहाँ पे उनके बर्तन होते हैं वहाँ पे मिली। ये असल में दिस इज़ एन ऑयल स्प्रे। या आई डोंट वांट टू बाय द प्राइसी बॉटल्स फ्रॉम द कर्ली हेयर वेबसाइट्स। प्रिटी मच सेम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। व्हाई आई रिकमेंड दीज बॉटल्स, क्योंकि जो दूसरी नॉर्मल स्प्रे बॉटल्स होती हैं उनको आपको पिस 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 करना पड़ता है। इस पे आपको पिस 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 नहीं करना। समझ गए होंगे आप लोग। व्हाई डू यू यूज दिस? यू कैन डू एसीवी रिंसेस, एप्पल राइस वाटर रिंसेस, जब आपके बाल आपने प्रोडक्ट लगाना है डीप कंडीशनिंग, जब आपने डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट लगाना है उससे पहले आपने अपने बालों को गीला करना होता है, आप अपने बाल इसे गीले कर सकते हैं, या अगर आप शावर से निकलते ही लगा लें वो भी एक अलग बात है। और आपने जब अपना प्रोडक्ट लगाना होता है और आपने पानी से इमल्सीफाई करना होता है, तो आप छोटा सा प्रोडक्ट, अपना पी साइज प्रोडक्ट लेते हो और थोड़ा सा ऊपर ऐसे लगाते हो, एंड देन यू इमल्सीफाई एंड देन यू अप्लाई। ऑलराइट, डिफ्यूज़र एंड अ हेयर ड्रायर, ठीक है। दिस इज़ अ कप डिफ्यूज़र, यू गेट कलेप्सिबल डिफ्यूज़र्स, यू गेट कप डिफ्यूज़र्स अलॉन्ग विद द हेयर ड्रायर्स, यू ऑल्सो गेट यूनिवर्सल हेयर डिफ्यूज़र्स, जो हर डिफ्यूज़र्स जो हर हेयर ड्रायर के नोजल पे फिट हो जाता है। वो नॉर्मली कलेप्सिबल होते हैं एंड दे आर वेरी ट्रैवल फ्रेंडली, वो ऐसे खुश करके अंदर हो जाता है, बिल्कुल फ्लैट पैक बन जाता है, और जब आपने यूज़ करना होता है आप उसको निकालते हो। वो मेरे पास अभी नहीं है एंड इट्स ओके, मैं इसी से काम चलाती हूँ। सो हाउ डू यू यूज़ इट? मैंने बहुत दफ़ा अपनी वीडियोज़ पे दिखाया भी हुआ है, और ये इस तरह बाल पकड़ते हो, यू गैदर योर हेयर एंड यू जस्ट स्टार्ट कपिंग देम, एंड जी इस तरह आपके बाल डिफ्यूज़ हो जाते हैं। डिफ्यूज़ करने से आपके बालों की ज़रा डेफिनेशन वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, एंड ऑब्वियसली अ हेयर ड्रायर ये इसके साथ ही आया था, इसी की अटैचमेंट है, तो आप इसे यूज़ करते हो एंड देन यू हैव डिफरेंट सेटिंग्स। ये तो हर हेयर ड्रायर पे होती है, आप सबको पता ही होगा। यू नीड टू हैव दिस सिल्क स्क्रंचीज। व्हाई? क्योंकि सिल्क इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, सिल्क इज़ योर बेस्ट फ्रेंड व्हेन यू हैव कर्ली हेयर। टग ऑफ वॉर नहीं आपके बाल खेल रहे होते, ज़्यादा खिंच नहीं रहे होते आपके बाल नॉर्मल स्क्रंचीज से। आप रात को पाइनएप्पल भी बनाओ, आप ये लगा के यूज सो जाओ, आप अपनी हाई पोनीटेल भी बनानी है आप ये लगाओ, अपने बालों से जब आप स्लिप इसको नीचे उतारते हो तो बाल नहीं उतरते, बड़ी आसानी से उतर आती, क्योंकि ऑब्वियसली सिल्क है, स्लिप हो जाती है। मस्ट हैव Have a silk bonnet. This is for protecting your hair when you are sleeping at night. I got this from AliExpress for $1.50, I guess. Yeah. You make a pineapple. I'll show it to you. This is your scrunchie. Let's see how do we do it. आप या तो pineapple बना लो. This is how you make a pineapple. Yeah. Do not double tie कहते हैं, क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं। Now you have your silk bonnet, just gather your hair, ठीक है, ऐसे इकट्ठे कर ले अंदर, ज़्यादा खींचा तानी ना करें, जेंटल रहा करें अपने बालों के साथ, कोई बात नहीं, फनी हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये आपके बालों को प्रोटेक्ट करेगा रात को,
और आप आराम से चले जाते, अगर आपके ये स्लिप हो जाते रात को, आप यहाँ पे बॉबी पिंस लगा लें तो काम चल जाता है। इसके अलावा आई हैव वन मोर प्रोटेक्टर, दिस इज अ सिल्क स्कार्फ आई यूज, अ ट्रायंगुलर स्कार्फ, ठीक है। हाउ यू यूज इट, ये भी मैंने काफ़ी दफ़ा अपनी वीडियोस पे ऑन इंस्टाग्राम दिखाया हुआ है। जस्ट टाइट अराउंड योर हेड, बहुत टाइट नहीं, बहुत लूज नहीं, ठीक है। या तो आप इसके ऊपर पोनी बांध लेते हैं, बांधती, या आप इसको ऑल्सो यू कैन यूज दिस एज ए कवर फॉर योर पिलो केस, क्योंकि लेट्स जस्ट अग्री टू द फैक्ट कि सिल्क पिलो केसेस बहुत एक्सपेंसिव आते हैं। या मेरा अभी तक हौसला नहीं पड़ा लेने का, इसलिए मैं आई रैप दिस सिल्क स्कार्फ अराउंड माई पिलो एंड देन आई स्लीप। आई जस्ट पुट माई हेयर टुगेदर इन अ पाइनएप्पल एंड देन आई स्लीप। After that, it's not a must have, but I got this in a PR. These are Zazzy or Zazzy bands. I'm sorry, I don't know how to pronounce that. They're not your normal headbands. They come in a square shape, and they are designed specifically for your curly hair. Because if you wear another headband, then you look like a chipak chate. ये आपके बालों को volume भी देते हैं और आपके बाल आपके मुंह से पीछे भी रखते हैं. So see. लग नहीं रहा कि मैंने बैंड पहना हुआ है। गुड टू हैव देम, नहीं भी हैं तो भी गुजारा चलेगा, ठीक है। सिल्क हेड बैंड हैं, ये भी हेड बैंड होते हैं, आप इनको जिस तरह मर्जी नीचे से ऊपर ला के बो बना लो, अपना बन बना के फिर यहाँ से ऐसे कर लो, जैसे मर्जी कर लो, गो क्रेजी विद योर कर्ली हेयर, ठीक। नेक्स्ट वी हैव दीज रूट क्लिप्स, when you are in a process of air drying your hair, you just pick up your hair from the roots and clip them. आप देख रहे हैं ये किस तरह थोड़ा सा ऊंचा हो गया है। आप जब ये तीन चार या जितने भी आप अपने सर पे लगा लेते हो गीले बालों में, तो वो रूट से आपके बालों को वॉल्यूम देता है जब वो सूख जाते हैं। ये देखिए थोड़ा सा ऊपर हो गया है क्लिप्स की वजह से, तो जब आपके बाल सूख जाएंगे आपके बालों में ऑटोमेटिकली वॉल्यूम आ जाएगा। My favorite part, these hair picks. These are the hair picks. Instant volume मिलता है आपको इनसे, ये आप देख लें, ये आपको पता चल जाएगा। ये भी एक hair pick है, ये कंगी है। I don't have a brush. I don't use a brush. I use a comb. Other than these, you can use Dead Man brushes, wet hair brushes. They are a bit pricey, but आपको अगर अपने stash में रखने हैं आप रखें, मेरे पास अभी तक नहीं है, काम चल रहा है मेरा। ये आप हेयर पिक को इस तरह यूज़ करते हो, इनका भी मैंने बहुत दफ़ा आप लोगों को बताया हुआ है। ये मेरे बैग में होती है हमेशा एक, ऑलवेज वेर एवर आई गो आई कैरी माई रूट पिक्स और हेयर पिक्स विद मी। आपको इंस्टेंट वॉल्यूम मिल जाता है, ठीक है। लें जी आपके बालों में वॉल्यूम आ चुके हैं, एंड दिस इज हाउ यू, या आई रियली नीड टू लुक अप माय हेयर। ऑलराइट, देन वी हैव दीस कॉम्ब्स, यू कैन यूज देम व्हेन यू हैव योर वेट हेयर, व्हेन यू आर अप्लाइंग योर प्रोडक्ट्स इन शावर और एनी वे यू लाइक इट। उसके बाद आता है, दिस इज नॉट वेरी एसेंशियल बट इफ यू हैव दिस इट्स वेरी गुड, दिस एक्सफोलिएट्स योर स्कैल्प, इट रिमूव्स द गंक आउट ऑफ योर हेड, इट गिव्स अ मसाज टू योर स्कैल्प। अदर देन दिस यू कैन ऑलवेज यूज योर फिंगर्स, बट इफ यू डोंट वांट टू यूज योर फिंगर्स यू कैन ऑलवेज गो फॉर दिस। व्हेन यू शैम्पू योर हेयर और यू आर को वॉशिंग योर हेयर, जस्ट स्क्रैप दिस एंड स्टार्ट rubbing on your scalp, it will exfoliate, it will give a massage, it will remove all the product build up from your scalp, okay? I got this from, I don't know, it's an old one,
I got this from Miniso, I guess, and it was $1.50 or $2, I guess. So last but not the least, we have these two. Now these are disposable shower caps. You can use them when you are wet flopping. I will tell you what wet flopping is later on. And you also use them when you apply a deep conditioner on your head and you want to cover your head with a hot head, a thermal cap. आप इसको obviously गंदा नहीं करना चाहोगे तो आप पहले अपने बालों पे लगा के डीप कंडीशनर उनको टाई अप करके अपने सर पे ये पहनते हो और उसके ऊपर ये पहनते हो, ठीक है? So how it goes is, this is your disposable cap and this is your hot head. ऐसे होना चाहिए. मैं ये डीप कंडीशनिंग के वक्त इसलिए नहीं पहनती. Do you see the stains here? ये avocado के stains हैं. मैंने ये shower cap पहनी थी, इसलिए लगे क्योंकि पूरा सर covered नहीं हुआ हुआ था. What I usually do is I take a cling film wrap and I tie it over my head. अच्छी तरीके से यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ताकि ये गंदा ना हो. और इसको कैसे use करते हैं, ये आपको thermal care से I think मिल जाती है. This is a bit pricey but worth every penny. It's for $50. And it's called a hot head. और आप इसको किस तरह use करते हो? If you have low porosity hair, this is a must have. इसके अंदर flax seeds होते हैं, वो गर्म होते हैं. ये microwave में रख के गर्म की जाती है. आप microwave में इसको पहले ऐसे रखते हो और इसको 30 seconds के लिए गर्म करते हो. उसको बाहर निकालते हो. You turn the cap inside out. You microwave it for further 30 seconds. जब गर्म हो जाती है आप फिर बाहर निकालते हो. अगेन टर्न द कैप इन साइड आउट. यू डू इट फॉर 30 सेकेंड्स अगेन. एंड उसके बाद आप निकाल के इसको अपने सर पे पहन लेते हो, अपनी डिस्पोजेबल शावर कैप के ऊपर या क्लिंग रैप के ऊपर. एंड देन आप उसको 30-40 मिनट्स रखते हो, जितनी देर भी लिखी होती है उसके ऊपर, उसके हिसाब से. एंड देन यू वॉश योर हेड. यू वॉश योर हेयर. I think this was pretty much it. सिल्क को ना अपना बेस्ट फ्रेंड बना लें. सिल्क आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है. जब आप अपने बाल सुखा रहे होते हैं, एक सिल्क की शर्ट या सिल्क रोब पहन के, या ये जो मैंने स्कार्फ बताया आपको, इसी को अपने इर्द गिर्द लपेट के अपने बाल उसके पीछे रख लिया करें. वो फ्रिक्शन जो होती है, ये कॉटन है, इसके साथ जो ये देखें, ये जो फ्रिक्शन, ये जो फ्रिज आपको नज़र आ रही है, वो चिपक चिपक के ज़्यादा होना शुरू हो जाती है. सिल्क में वो स्लिप हो जाती है. इसलिए सिल्क स्क्रंचीज, सिल्क रोब्स, सिल्क पिलो केसेस एंड सिल्क बॉनेट्स, सिल्क बफ्स, ये सारे आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं. इसके अलावा और बहुत से प्रोडक्ट्स होते हैं जो आप अपने स्टैश में रख सकते हैं, बट ये अगर आपके पास हैं, यू आर गुड टू गो. इससे ज़्यादा मैनी आपकी मर्ज़ी है, आप ले लें, आपकी मर्ज़ी आप ना लें, लेकिन ये होना थोड़ा सा लाजमी है. दिस विल चेंज योर कर्ल गेम. आई थिंक दिस इज़ प्रीटी मच इट. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ गिव अ थम्स अप. डू टेल मी हाउ डिड यू लाइक द वीडियो. ऑलराइट, बाय.